नहीं निकलते अश्रुयाक्षर दर्द बयां ना हो पाता, अरे मर्द बना तो आसानी से सुनो नहीं तू रो पाता, मुस्कान लिए चेहरे पर अपने दर्द छुपाया करता है, अस्त्र नहीं बाहर आए तो जीत दिखाया करता है, फिर जितने थे दर्द समेटे आंसू लाया करता है, हार नहीं उठ लड़ आगे जा, विश्व जिताया है तूने ही, वंदे मातरम या ध्वनि आगे लाया तूने ही, या ध्वनि आगे लाया तूने ही। यह सिलसिला शुरू होता है आईपीएल के वक्त से। हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटन के कप्तान थे और गुजरात की टीम उनकी कप्तानी में अच्छा खेल दिखा रही थी, परंतु 2024 के आईपीएल में एक खबर सामने आई कि हार्दिक पांड्या गुजरात को छोड़कर फिर से अपनी पुरानी टीम मुंबई इंडियंस में वापस आ रहे हैं। मुंबई के समर्थकों में खुशी की लहर आने वाली थी, परंतु विपरीत हुआ। जिस मुंबई की जनता ने उनको सराखों पर बिठाया था, वही मुंबई की जनता उनको गाली दे रही थी। मैदान पर पहुंचते ही उनके सम्मान पर घात दिया जा रहा था। कारण था मुंबई इंडियंस की कप्तानी, जहां दूसरे टीम के कप्तान अपनी कप्तानी स्वयं त्याग कर अपने जूनियर्स को मौका दे रहे थे, वही मुंबई इंडियंस रोहित शर्मा से यह पद मानो छीन सी रही थी। रोहित शर्मा की कप्तानी में मुंबई 5 बार आईपीएल ट्रॉफी जीत चुकी थी और 6वें की तैयारी थी, परंतु तभी खबर आता है कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के नए कप्तान हैं। नफरत यदि आपको मिल रही है तो उसका उत्तर आप सब बस कामयाबी से दे सकते हैं, जीत से दे सकते हैं, परंतु विपरीत हुआ। हार्दिक पांड्या मुंबई को विजेता बनाने में असफल हुए और नफरतों के बीच में घिर गए। इंसान है जो टूटता जब हार आती सामने, वो जीत कर सब कुछ सुनो एक फैसले से हारता, वो एक फैसला शायद उनको डुबा रहा था। क्रिकेट के ज्ञानी अपना सुझाव दे रहे थे कि अब हार्दिक की कहानी खत्म होने वाली है, परंतु कहते हैं ना, अंधेरा अगर घना हो तो एक चिराग भी अपना काम कर जाती है। फिर शुरू होता है क्रिकेट का महायुद्ध आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024। पहले तो टीम का चयन होता है, जिसमें हार्दिक को टीम से हटाने की मांग होती है जनता के द्वारा, परंतु हार्दिक पर कप्तान रोहित शर्मा को पूर्ण विश्वास था। हार्दिक जाते हैं और अपना कमाल दिखाते हैं, बताते हैं लोगों को क्यों विश्व के नंबर एक ऑलराउंडर है। भारत की टीम फाइनल में पहुंचती है 29 जून को फाइनल, जब सबको लग रहा था कि भारत फिर से हार जाएगी, वहां पर यह गेंदबाज अहम 3 विकेट चटकाता है और आखिरी ओवर में भारत को 7 रन से विजेता बनवा देता है। भारत यह मुकाबला 7 रनों से जीत जाती है। जिस देश में उनको बदनाम किया जाता है, उसी देश के उसी शहर मुंबई में हार्दिक के नाम के नारे लगते हैं, पूरा देश झूम उठता है। क्रिकेट से जुड़ी सारी खबर आपको मिलेगी इधर, देखते रहिए क्रिकेट इंसोमिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को दबाना ना भूले, प्ले स्टोर पर जाएं क्रिकेट इंसोमिया ऐप डाउनलोड करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।